एक बहुत बड़ी खबर आती हुई दिख रही है जो आपको एक बार पूरी फुल फ्रेम में एक बार बतानी चाहिए, और वो ये कि पाकिस्तान पर हमले की कोई जानकारी नहीं और ये हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आती हुई दिख रही है। तो सबसे अहम, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी खबर है, कहीं कोई सनसनीखेज खबर नहीं, कोई फालतू की बात नहीं। जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है, जो हमारा रक्षा मंत्रालय कह रहा है, वही सबसे सही और सटीक जानकारी है। और इस वक्त हमारे रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो बयान आया है, वो बयान ये है कि पाकिस्तान पर हमले की कोई जानकारी नहीं है। तो इसका मतलब ये कि जहाँ भी, जिस भी चैनल पर, जिस भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप ये खबर देख रहे हैं, इस तरह की कोई एयर स्ट्राइक हुई है, ये है, ये सब बिल्कुल बकवास है, एकदम गलत खबर है। और इसीलिए डिम्पी हम शुरू से यही कह रहे थे कि ये पाकिस्तान की तरफ से तनाव बढ़ाने की या दबाव बनाने की कोशिश हो सकती है। आप और एक्चुअली मैं बताऊँ, ये चीज़ें ना मैं भी पहले नहीं समझता था। जब से मैं देश की बात करने लगा शो, तब मुझे समझ में आया था कि कूटनीति क्या होती है, राजनीति क्या होती है। और ये पूरी, और जब कई सारे ऐसे ऐसे देश की बात में सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक पाकिस्तान ही होता है राजनीतिक चर्चाओं करने के लिए, तो समझ में आता है कि ये पाकिस्तान के जो प्रवक्ता है किस तरह के हथकंडे अपनाते हैं दबाव बनाने के लिए, और हमें उसके बहकावे में नहीं आना चाहिए। और इसीलिए हमने बहुत संयम रखा, बहुत शांति के साथ, हमने कहीं कोई पैनिक नहीं वक्त किया न करवाया, हमने सिर्फ ये कहा कि खाली नज़र रखिए, ऐसी कोई खबर नहीं है। और इस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ को अहमियत देते हैं, वो है हिंदुस्तान का रक्षा मंत्रालय। हमारे रक्षा मंत्रालय ने साफ तौर पर आधिकारिक तौर से जानकारी दे दी है, और उनका ये कहना है कि इस तरह का कोई हमला नहीं किया। जब हिंदुस्तान कह रहा हमला नहीं किया, तो बात खत्म, बस यहाँ पर बात खत्म हो जाती है। कोई पैनिक मत कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और आप देख सकते हैं निचले स्तरों से एसजेक्स निफ्टी लगभग आधा रिकवर हो चुका है, बिल्कुल आधा, 100 अंकों से ज़्यादा की गिरावट हो गई थी, अब सिर्फ 68 अंकों का ही नुकसान है। बिल्कुल, और हम इसीलिए इस ये पूरी मैच्योरिटी के साथ में और पूरे अनुभव के साथ में हम आपको बताना चाहते हैं कि इस तरह की खबरें ढेर सारी आएगी। हाँ, आप सावधान रहना चाहिए, मैं अभी भी कहूँगा सावधान रहना चाहिए। जो खबरें आई हैं रक्षा मंत्रालय के इस बयान के बाद भी, हो सकता है आप थोड़े सावधान रहें। सावधान रहने में हर्ज नहीं है, ज़रूरी कि बाजार बढ़े, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पैनिक करना शुरू कर दें। इसका मतलब ये नहीं कि वो सब कुछ हो गया जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कम से कम एक चीज़ ज़रूरी है, और वो ये कि भरोसा पाकिस्तान के बयानों पर बिल्कुल ना करें। बिल्कुल, क्योंकि इतना तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो भी बयान आते हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ मकसद होता है। कौन ये कहेगा कि हाँ हमारे यहाँ आप घूमने फिरने आए थे या बम गिराने आए थे, राइट? इसका मतलब साफ है कि आप अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में एक तनाव बनाना चाहते हैं, एक दबाव बनाना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर पाकिस्तान इस तरह के बयान देगा, जो चार दो देश होंगे जो हिंदुस्तान में हमारे टॉप लीडरशिप को फ़ोन करके बोलेंगे भाई आपने कुछ ऐसा किया, क्या करना मत, ये दबाव बनाने की कोशिश है और इसमें हमें नहीं बैठना है, बिल्कुल साफ है। तो जो हिंदुस्तान का रक्षा मंत्रालय कह रहा है वही सच है और एकदम सच है। ओके, तो जब तक ये खबरें ना आए कि हमारी सरकार या हमारी सरकार की तरफ से कोई बयान आता है, तब तक हम इस बयान पर अड़िग रहेंगे जो हमारे रक्षा मंत्रालय ने दिया है। बाकी कोई कुछ भी कहे, लेकिन जब तक रक्षा मंत्रालय पुष्टि नहीं करता है, और रक्षा मंत्रालय पुष्टि करेगा या भारत सरकार पुष्टि करेगी, तो हम उसके साथ जाएंगे। अभी भी अलग अलग न्यूज़ एजेंसीज, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स अपने अपने तरीके से इस खबर को रख रहे हैं। कोई भी सही हो सकता है, कोई भी गलत हो सकता है। हम इस तरह के मामले में जो खासतौर से देश की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं और इस तरह के सबसे ज़्यादा संवेदनशील मामले, उसमें हम कहीं किसी तरह के किसी सोर्स पर भरोसा नहीं करेंगे, सिर्फ हिंदुस्तान के सोर्स पर। भले ANI भी कह रहा है कि उन्होंने, भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर हमला किया, लेकिन ANI की खबर मैं आपको बता दूं, सुना दूं, आपको बताना ज़रूरी है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो है और सबसे बड़ा बयान जो है वो हिंदुस्तान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से, और रक्षा मंत्रालय का कहना है कि अभी तक हमने कहीं किसी तरह का कोई हमला नहीं किया। ANI का बयान भी हम आपके सामने लेकर आएंगे, वो हम आपको बताएंगे कि कहाँ से क्या क्या खबरें आ रही है। खबरें ढेर सारी आ रही है, अलग अलग सोर्सेज से आ रही है, आपको सब पर नजर रखनी है। हाँ बिल्कुल, मामला सेंसिटिव है, इसलिए आपको सावधानी रखनी है, रिएक्शन नहीं देना अभी, जब तक रिएक्शन कोई आपको पुख्ता जानकारी ना मिल जाए। जैसे रक्षा मंत्रालय से हमको जो पुख्ता जानकारी मिल रही है कि अभी तक कोई इसी तरह का कोई हमला नहीं किया गया है, तो उसी पर एक और मैं बात बता दूँ, चाहे ANI की तरफ से भी खबर आ रही है कोई हमला किया गया, ANI, जी बिजनेस या कोई भी न्यूज़ चैनल, कोई भी न्यूज़ एजेंसी भारत के रक्षा मंत्रालय के ऊपर नहीं है, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। जो भारत का रक्षा मंत्रालय अगर साफ तौर पर बयान दे रहा है, तो उसके बाद कहीं कोई शको शुबा की गुंजाइश नहीं रहती। अगर किया भी है और अगर हमला हुआ भी है और रक्षा मंत्रालय कह रहे हैं नहीं है, तो नहीं है, खत्म, इससे आगे बढ़ना नहीं है, बात यहीं खत्म हो जाती है। अगर रक्षा मंत्रालय ने कह दिया नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ है, उसके
उसके उस पर शक करने, क्वेश्चन मार्क करने की किसी की ताकत नहीं है और किसी को वो अधिकार भी नहीं है। तो बहुत क्लियर है, अगर हमारे रक्षा मंत्रालय की तरफ से जानकारी आ चुकी है कि कोई हमला किसी तरह का नहीं हुआ तो नहीं हुआ है, बात खत्म। ठीक है, हम भी यहीं पे बात अभी रोक रहे हैं, जैसे कुछ और इंपॉर्टेंट इसमें अपडेट होगा तो फिर हम आपके सामने ये बात रखेंगे। लेकिन इस बीच जो दिवांशी हमारे साथ है ब्रोकिंग ऑफिस की रिपोर्ट्स के लिए, मेहमानों का पूरा पैनल भी जुड़ चुका है, जल्दी से दिवांशी ब्रोकिंग ऑफिस की रिपोर्ट बता दीजिए। बिल्कुल, सबसे पहले नीलकंठ मिश्रा जो क्रेडिट स्विस के हैं वो ये मानते हैं कि इस बार जो इलेक्शन होगा उससे पहले प्री इलेक्शन रैली जो हमने पिछले साल देखी थी वैसी हमें देखने को ना मिले, और जो सेक्टर पर इम्पैक्ट होता है वो इस बार ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ निजी बैंक्स और कंज्यूमर गुड्स के जो सेक्टर हैं वहाँ पर थोड़ी सी खरीदारी आती हुई दिख सकती है। इसके सीएलएसए का आईटी सेक्टर पर रिपोर्ट आया जहां पे इंफोसिस, एचसीएल टेक और टीसीएस ये तीन स्टॉक्स हैं जहां पे उन्होंने खरीदारी की फिर से राय दी है, और अब मानते हैं कि नैसकॉम के जो गाइडेंस हैं वहां से काफी पॉजिटिव सुझाव मिलते हुए दिख रहे हैं, कमेंट्री काफी पॉजिटिव है, और जो इस साल में जितने भी करार हुए हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़त के साथ होते हुए दिखे हैं, CY19 और FY20 में मांग में काफ़ी सुधार दिख सकता है। इसके अलावा CLSA के भारतीय एयरटेल पर रिपोर्ट आई है जहाँ पे खरीदारी की राय है 410 तक के लक्ष्य वो सुझा रहे हैं, और मान रहे हैं कि पिछले चार तिमाही से जो नतीजे वो काफ़ी बेहतर आते हुए दिखे हैं और चौथी तिमाही में जो आय है उसमें मजबूती का अनुमान है। साथ ही आज आयशा मोटर्स पर UBS की रिपोर्ट है जहाँ पे 19,000 तक के लक्ष्य दे रहे हैं, और मान रहे हैं कि जो डीलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा उत्साहजनक नहीं है अब खरीदारी को लेकर, और साथ ही जो सेल्स दिखे काफ़ी राज्यों में वो इंडस्ट्री की ग्रोथ से काफ़ी कम है। क्रेडिट स्विस के IIFL होल्डिंग्स पर रिपोर्ट है जहाँ पे उन्होंने अपने लक्ष्य घटा दिए हैं, 400 से घटाकर 315 कर दिए हैं, मान रहे हैं कि जो रेगुलेटरी मुद्दे हैं उसी के चलते उन्होंने EPS का अनुमान भी 25% घटा दिया है, और गोल्डमैन सैक्स की रिलायंस इंडस्ट्रीज पर पॉजिटिव रिपोर्ट है, खरीदारी की राय लक्ष्य उन्होंने 1380 से बढ़ाकर 1455 तक का किया, और मान रहे हैं कि रिटेल कारोबार में सबसे ज़्यादा मजबूती देखने को मिल सकती है। साथ ही आज कोल इंडिया पर जेफरीज और HSBC दोनों की खरीदारी की राय है, लेकिन जेफरीज 309 तक के लक्ष्य दे रहे हैं और कमेंट्री पॉजिटिव है, मान रहे हैं कि वैल्यूएशन सस्ते हैं, डिविडेंड काफ़ी मजबूत हो सकता है, और HSBC मानते हैं कि यहाँ पे EBITDA का अनुमान घटा सकते हैं अगले साल में। और साथ ही आज UPL पर जेफरीज की रिपोर्ट आई है जहाँ पे 1000 तक के टारगेट्स वो सुझा रहे हैं, और ये भी मानते हैं कि एरिस्टा के अधिग्रहण से काफ़ी फायदा कंपनी को मिलेगा। ओके, और इस बीच एक और बड़ी खबर जो आती हुई दिख रही है वो मैं बताऊँ, ANI जो न्यूज़ एजेंसी उसके हवाले से ये खबर आ रही है, और वो हवाला दे रहे हैं IAF यानी इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना का। उनका ये कहना है कि आज तड़के 3:30 बजे भारतीय वायुसेना ने सीमा रेखा के पार जाकर आतंकी हमलों ठिकानों पर हमले किए, 1000 किलो से ज़्यादा के बम गिराए गए हैं। ये ANI की रिपोर्ट है, मैं फिर से आपको बता दूं, ANI की रिपोर्ट और रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में आप बिल्कुल रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट को तवज्जो दीजिए, ठीक है। ANI ने सोर्स बेस्ड खबर वो दे रहे हैं, हम आपको खबर बता रहे हैं जहाँ जहाँ से जिस तरह से आ रही है। ये ANI जो न्यूज़ एजेंसी है उनकी तरफ से खबर है, और उनका ये कहना है कि 1000 किलो के बम गिराए गए हैं और मिराज 2000 के जरिए ये हमला किया गया है, सीमा पार की गई है, हमारे विमान गए हैं वहाँ पर, आतंकी ठिकानों पर बम गिराए गए हैं। लेकिन ये ध्यान रहे, ये न्यूज़ एजेंसी की खबर है, जो आधिकारिक तौर पर सबसे बड़ी खबर है जिस पर आपको फोकस करना है वो रक्षा मंत्रालय की तरफ से। रक्षा मंत्रालय ने अब तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि वाकई में इस तरह का हमला हुआ है, लेकिन जैसे जैसे खबरें आ रही हैं वैसे वैसे खबरें हम आपके सामने जरूर रख रहे हैं, चाहे वो एजेंसीज की हो चाहे वो मंत्रालय से जुड़ी क्यों ना हो। सकता कोई और बड़ा बयान सरकार की तरफ से और भी आए तो बिल्कुल आप तैयार रहिएगा। आज हमने आपको सतर्क भी किया है और सावधान भी कर रहे हैं, और एक पूरी पट्टी हमने बकायदा इसलिए छोड़ दी है, खबर के लिए छोड़ दी है, ताकि जैसे जैसे अपडेट आएगा वो आपके सामने रखेंगे। मेहमान भी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। कुणाल सर होगे मेरे साथ दिल्ली से हैं, राकेश जी भी मेरे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे आज के ट्रेड क्या बनते हैं। तो कुणाल जी, एक तो पहले इसी खबर पर जरा कुणाल जी का भी रिएक्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहता है कुणाल जी, अगर ऐसी कुछ खबरें आई हो मार्केट के अंदर, एकाएक पैनिक हो गया हो जिसमें खबरों की पुष्टि भी ना हो रही हो, तो एक निवेशक को एक ट्रेडर को उस समय सोच क्या रखनी चाहिए, शांति से बैठना ही चाहिए ना। बिल्कुल डिम्पी जी, देखिए जो अनिल जी ने अभी कहा मुझे लगता है कि बिल्कुल 100% सही बात है कि जब तक देखिए कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती है तब तक किसी भी अफवाह पर भरोसा नहीं करना है। तो अगर आधी खबर मिलती है जो कि पूरी तरह पुष्ट ना हो, जिसकी कोई जो हमारी भारत सरकार की तरफ से पुष्ट ना हो, उस पर बिल्कुल यकीन ना करें और पैनिक ना करें। पैनिक करके कई बार इस तरह की परिस्थितियों में लोग गलत फैसले लेते हैं और बाद में उसका पछतावा होता है, तो मुझे लगता है बिल्कुल पैनिक की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, और जो भी जानकारी है वो Zee Business पे पहले आएगी, तो बिल्कुल चिंता किसी को करनी नहीं चाहिए।
ठीक है, इंटरेस्टिंग, लेकिन जैसे और इन्फॉर्मेशन आएगी हम सब आपको अवगत ज़रूर कराएंगे। कुणाल जी, लगे हाथ अपने आप शेयर्स भी बता दीजिए, आपके आज के शेयर्स कौन से हैं, आज के स्टॉक्स कौन से हैं? डिम्पी जी, आज केवल एक ही मेरी बिकवाली की राय है और ये बेचना है ऑरो फार्मा, जिसकी चर्चा कल चलते चलते राकेश जी ने की थी और इस काउंटर में एक ब्रेकडाउन आते हुए कल नजर आया था। इसने 712 रुपए के एक अहम स्तर के नीचे ट्रेड करना शुरू किया है। ऑरो फार्मा कई दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है और आज का जो ब्रेकडाउन कल देखा गया, मुझे लगता है कि उसके बाद बड़ी गिरावट आपको ऑरो फार्मा में देखने को मिल सकती है। 685 रुपए का मेरा लक्ष्य है, स्टॉप लॉस 727 रुपए पर रखकर ऑरो फार्मा शॉर्ट करना। ठीक है, अरविंदो फार्मा आज होगा शॉर्ट करने के लिए और इसका जो टारगेट है 685 है। वैसे भी अभी तक का जो सेंटीमेंट है वो तो कमजोरी की आपको दिख रही है। एक और जानकारी आपको दे रहे हैं जो कि ANI के ही हवाले से है, जो थोड़ी देर पहले अनिल जी भी आपको बता रहे थे कि मिराज 2000 के जरिए ये बम गिराए गए और उसमें ये कहा गया है कि कुछ आतंकी ठिकानों को ख़त्म भी किया गया है। ये ANI की तरफ से जानकारी है, रक्षा मंत्रालय ने अब तक कोई इस तरह की जानकारी नहीं दी है। ANI की तरफ से जानकारी यह है कि सुबह 3:30 बजे कई विमान LoC को पार कर गए और वहाँ पर जैश के जहाँ ठिकाने हैं, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला एरिया है जहाँ पर इस तरह के ठिकाने हैं उनके आतंकी संगठनों के, तो वहाँ पे जाके हमला बोला गया और कुछ ठिकानों को ख़त्म भी किया गया। HDFC सिक्योरिटीज़ के VK शर्मा साहब भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शर्मा साहब का अच्छा एक्सपीरियंस भी है बाजार के हिसाब से भी, और इस तरह की गतिविधियां जब होती हैं तो क्या करना चाहिए? शर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पल तो समय देने के लिए। देश के लिहाज से तो अच्छी खबर है कि भले ही थोड़ा समय लगा, लेकिन हाँ कुछ कार्रवाई ज़रूर होती दिख रही है और ये पुख्ता कार्रवाई होती हुई दिख रही है। इसको आज कैसे देखना चाहिए? कुछ खबरें पुष्ट भी हैं, कुछ अपुष्ट खबरें भी बाजार के अंदर हैं, क्योंकि मामला ही कुछ संजीदा है। क्या करना चाहिए सर आज? जी, मेरा ये मानना है कि जो गिरावट आती है ओपनिंग जो गैप डाउन होगा उसके अंदर खरीदारी करनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि ये किसी वॉर का रूप लेने वाली है ये चीज, और पाकिस्तान स्थिति में नहीं है कि वो इस तरह का कोई काम करना चाहे, बिकॉज बलूचिस्तान को वो खो बैठेगा। तो ऐसे वक्त के अंदर मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी समझनी चाहिए। अगर हम एक लिमिटेड वॉर की बात करें तो जब कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में, तो मार्केट गिरा था जब स्क्वाड्रन लीडर ओजा का जब विमान में एक विमान गिराया गया था, लेकिन उसके बाद में मार्केट दो महीने के बाद जब युद्ध बंद हुआ, युद्ध विराम हुआ, तो मार्केट हमारा 16% ऊपर जा चुका था। तो ये इन्वेस्टर्स पे छोड़ते हैं बाकी क्या करना चाहेंगे, पर मेरे ख्याल से गिरावट के अंदर लेना चाहिए। अगर ये लिमिटेड कुछ ऐसा रिस्पॉन्स भी आता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छी बात यही है कि जो समाचार है वो उनका भी किया गया है कि हमारे जो हवाई जहाज वो गए हैं और सैनिक नहीं गए, वो अच्छी बात है। शर्मा साहब, मैं एक बार आपको, मैं मार्केट एनालिस्ट की बजाय अब मैं जरा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये जो प्रतिक्रिया हुई है, अब चाहे वो पुष्ट है या पुष्ट है, हम मान के चलते हैं जो ANI कह रहा है कि कुछ जहाज गए और कुछ जैश के ठिकानों को ख़त्म किया गया, ये कार्रवाई छोटी है या अपने आप में कार्रवाई बड़ी है? एक पॉलिटिकल एनालिसिस के तौर पर मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं अगर पॉलिटिकल एनालिसिस के हिसाब से देखूं तो देश के अंदर जो एक चल पड़ी थी बात कि पाकिस्तान को युद्ध करके खत्म कर दो, तो उस दृष्टि से ये प्रॉपर युद्ध नहीं है, लेकिन वो देश के लिए अच्छा भी नहीं है कि आपके आपको फिर बाद की स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ऐसे वक्त के अंदर जो कदम उठाए गए थे UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, चीन के ऑब्जेक्शन के बावजूद चीन कुछ नहीं कर पाया, और उस तरह की ये जो सफलता थी सिंधु नदी का पानी रोक पाना इंडिया के शेयर का, और ये जो चीजें हैं इससे देश काफी संतुष्ट है, और ये जो कैंप्स खत्म करने की बात है ये उसके अंदर फर्दर उस चीज को ऐड करती है। तो ये जो बाकी जो कदम है वो देश के लिए ज्यादा अच्छे है, जिनमें नुकसान कम और फायदा ज्यादा होगा। मेरे ख्याल से समय अभी इसी तरह की कार्रवाई करने का है, न कि युद्ध करने का, और उस दृष्टि से ये इस वक्त प्रेशर नहीं था युद्ध का कि ये जो बन गया है वो स्ट्राइक हुई है वो उतनी हद तक ठीक है। तो मेरे ख्याल से कुल मिला के ये पूरा जो माहौल है वो हेल्प करेगा जो करंट गवर्नमेंट है उसको वापस आने के लिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है शर्मा जी, एक चीज का और जवाब दीजिए, क्योंकि आपने इस तरह की कई परिस्थितियों को देखा भी है, तो क्या कुछ और बड़े कदम सरकार की तरफ से उठ सकते हैं? ये कार्रवाई हमको पता था कि हाँ हो सकती है, किस लहजे में होगी, कितनी बड़ी होगी, ये सब आंकलन ही होगा, क्या कुछ और कार्रवाई होगी ना? मेरे ख्याल से और भी अगर कार्रवाई होगी तो वो
गैप के साथ होनी चाहिए और वो भी कैंप्स के प्रति ही होनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार का युद्ध की आशंकाएं हैं, तो ये जो लिमिटेड इम्पैक्ट इनका होगा और उसमें खरीदारी का ही माहौल बनाना चाहिए। लेकिन अगर युद्ध होता भी है तो भी मेरा यह मानना है कि वो युद्ध दूर की बात है, पर होता भी है तो भी वो दो या तीन दिन के बाद उसका नेगेटिव इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक बात है शर्मा साहब। इस बीच हमारे साथ एक जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट जीजे सिंह साहब भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सिंह साहब गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताएं सर, जो ये अपुष्ट खबरें आ रही है कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की सीमा में जाकर वहां पर आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए हैं, कितना सही माना जाए, क्या ये विश्वास करने लायक है पहली नज़र में, या फिर रक्षा मंत्रालय जो कह रहा है कि अभी तक हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है, इसे कैसे समझे? नहीं साहब, ये अभी ब्रेकआउट न्यूज हो चुकी है, क्योंकि हमारे 10 मिराज 2000 जो हैं देवर लोडेड विद द लेटेस्ट व्हाट यू कॉल वेपनरी, उन्होंने 1000 पाउंड के बम जो हैं वो मारे हैं 10 मिराज 1000 में, जिसमें हम कह सकते हैं कि स्मार्ट बम यूज किए हैं। डैमेज बहुत भारी होगा और ये अभी गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है, बिकॉज जो मेरे सोर्सेज हैं मुझे न्यूज मिल रही है अभी और दूसरी चैनल भी बता रही हैं, और इसमें 1000 kg नॉट पाउंड 1000 kg बॉम्ब जो है वो थे, और ये जो कैंप्स थे हमारे POK के अंदर उनके ऊपर ये एक बहुत बड़ा हमला किया गया है, छोटा हमला नहीं है, ये डीप पेनिट्रेशन एयरक्राफ्ट है हमारे मिराज 2000। बालाकोट जगह है जहां पे एक बहुत बड़ा कैंप था जैश ए मोहम्मद का, उसको इन्होंने तबाह किया है। तो सिंह साहब जी, सिंह साहब ये बताएं कि आप जो कह रहे हैं ये बालाकोट में किया, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर POK में है या ये पाकिस्तान की सीमा में जाकर किया है? ये POK के अंदर है, हमने POK के अंदर जो है वहां पे अटैक किया है। okay. और ये अभी हम हमारी जो गवर्नमेंट है वो एस्केलेशन लैडर के ऊपर चले गई है। ये जो अटैक किया गया है, पहले उनके जितने इलेक्ट्रॉनिक रडार वगैरह थे उनको हमने जैम किया, और हमारे जो लेटेस्ट जिसको हम कहते हैं अवैक, जो एक नजर रखते हैं हवा से, मतलब के एक ऊपर आंख होती है इवैक जो वॉच करते हैं, वो भी हमने पहले एम्प्लॉय किए, और ये एक बहुत ही बढ़िया वेल ऑर्गेनाइज्ड कोऑर्डिनेटेड अटैक किया गया है पाकिस्तान के ऊपर। छोटा मोटा अटैक नहीं है, ये एक हिस्टोरिक अटैक कहा जा सकता है, क्योंकि आज 3:30 बजे सुबह जब जिन्होंने अटैक किया, ये टाइम बता रही हैं दूसरी चैनल्स भी, और ये जो लेजर गाइडेड बॉम्ब यूज किए हैं इसके अंदर, लेजर गाइडेड मींस बहुत एक्यूरेट होते हैं, हमारे पास जिसे हम कहते हैं कि मिराज 2000 आर लेस लैस्ड विद द वेरी प्रिसाइज एरियल अटैक्स, प्रिसीजन सर्जिकल स्ट्राइक हम कर सकते हैं, वो हमने किया है। और साथ में ये भी है कि ये जो हिस्टोरिक स्टेप लिया है, क्योंकि 1971 के बाद हमने पहली दफा पाकिस्तान के अंदर घुसा है हमारी एयर, कारगिल वॉर के अंदर भी हमने पाकिस्तान की जो POK है या उनका IB सेक्टर है उसके अंदर नहीं गए थे, हम अपनी तरफ से ही। सर एक चीज और बताइए सिंह साहब, एक चीज और बताइए कि जब आप कह रहे हैं कि ये बड़ा ऐतिहासिक कदम है जो हिंदुस्तान की सेनाओं ने लिया है, एयरफोर्स ने लिया है, और जाकर बम गिराए हैं, बड़ा अटैक हुआ है, अच्छे तरीके से सोच समझकर सही ठिकानों पर ये किया गया है, तो क्या ये एकमात्र अटैक था जो करना था, खत्म हो गया, या बात और आगे बढ़ेगी, ये मैं जानना चाहता हूँ, और क्या इस पर पाकिस्तान रिएक्शन देगा या नहीं देगा, ये सोच के कि POK में हुआ है पाकिस्तान में नहीं हुआ है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पाकिस्तान ने तो एडमिट किया है कि हमारे जेट गए और उन्होंने वो थोड़ा इसको प्ले डाउन कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनके जहाज आए, और पाकिस्तान वाले ये कह रहे हैं कि उनकी एयरफोर्स ने स्क्रैम्बल किए अपने जेट्स को और भगा दिया, और जो हमारे पेलोड मतलब जो बॉम्ब थे वो बालाकोट के अंदर आजू बाजू फेंक के चले गए। वो इसको बता रहे हैं कि जैसे अटैक हुआ है मगर बम जो है गलत जगह पे छोड़ के गए, वो ऐसी दे रहे हैं, मगर ये उनका एक जिसे कहते हैं
डरा हुआ रिस्पांस है, एक प्ले डाउन किया गया हुआ रिस्पांस है, क्योंकि हमारे में जो क्षमता है एयरफोर्स की, एक तो कैलिबर बहुत हाई है, हमारे अंदर जैसे मैं कह रहा था कि ऐसे सिस्टम्स लगे हुए हैं जहाजों के अंदर कि हम पिन पॉइंट, और एमुनेशन है हमारे पास प्रिसाइज अटैक करने के लिए, उसको हमने यूज किया है, क्योंकि अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने डिक्लेयर कर दिया है कि 1000 kg बॉम्ब्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हैव बीन यूज्ड, दे विल नॉट यूज इट जस्ट लाइक दैट। सो ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है अभी इस टाइम, एट दिस पॉइंट इन टाइम साफ हो चुकी है, और अभी ये बात बढ़ेगी, और क्योंकि हमने एस्केलेशन लेटर के ऊपर गए हैं, अभी ये डिपेंड करता है पाकिस्तान के ऊपर, अभी पाकिस्तान अपनी एयर डायमेंशन लाता है या नहीं, अपने एयरफोर्स के जहाज यूज करता है हमारे अगेंस्ट, कौन से अगर करता है तो कहाँ यूज करेगा, कहाँ बम गिराएगा, क्या हमारे वो एयरबेस जो है कश्मीर के अंदर जैसे पठानकोट है जहाँ ये जिसे कहते हैं श्रीनगर है उसके ऊपर अटैक करेगा, कहाँ से कहाँ पे आएगा, तो ये एक स्पेकुलेशन रेल में बात चली जाती है, हम नहीं कह सकते। और दूसरी मेरा जो एक देखिए, और दो बहुत जरूर बातें हैं, एक तो ये है कि क्या ये जो लड़ाई हमारी शुरू हुई है पाकिस्तान के साथ एयर स्ट्राइक, ये पीओके के अंदर ही रहेगी, जैसे कारगिल की वॉर जो थी वो कारगिल में रही, वो हमारे आईबी सेक्टर जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर जो है हमारा दूसरी स्टेटों में, वहां तक नहीं फैली थी। अगर अभी ये जो एयर रिस्पॉन्स हमने उनको दिया है, इतना बड़ा अटैक किया हिस्टोरिक, ये क्या पीओके तक रहेगा जहां बात बढ़ जाएगी, ये सिर्फ आने वाला समय बताएगा। और बिल्कुल जी, पाकिस्तान अभी कैसे रिएक्ट कर सकता है। जी सिंह साहब, आप सिंह साहब आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे साथ एक और डिफेंस एक्सपर्ट वीएन थापड़ साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। थापड़ साहब, जो खबरें आ रही है वो ये कि भारतीय वायुसेना ने हमला किया है आज सवेरे 3:30 बजे पीओके में, जो आतंकवादी कैंप थे उन पर हमला किया, 1000 किलो से ज़्यादा के बम गिराए गए, एकदम सुनियोजित तरीके से ये हमला किया गया है, आप कैसे देख रहे हैं? और हालांकि अभी तक रक्षा मंत्रालय की तरफ से पुष्टि होना बाकी है इसकी। थापर साहब, आप तक आवाज़ पहुँच रही है? चलिए थापर साहब से हम वापस संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आशु मदान साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, एक रिएक्शन उनसे भी लेना जरूरी है। आशु जी, किस तरह से आप इसका इस रिएक्शन इसको देख रहे हैं, और बाजार पर इसका क्या रिएक्शन होने वाला है? अनिल जी, तीन चीजें मैं जल्दी से बोलना चाहूंगा। एक, सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को पास का भी एक्सपीरियंस है और आगे के लिए भी, पॉलिटिक्स और ऐसी चीज को प्रिडिक्ट करके इंटरप्रेट करके मार्केट में प्ले नहीं करना चाहिए कि ये वॉर होगी नहीं होगी, कितनी होगी, 3 दिन के लिए होगी, ये किसी को नहीं पता, किसी के हाथ में भी नहीं है, सब अटकलें होती हैं। तो पहली चीज, उसको प्रिडिक्ट करके मार्केट में कोई पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। दूसरी चीज अनिल जी, ये मार्केट आने वाले टाइम में ऐसे ही रहेगी, जिसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ट्रेड ऑप्शन से करना है, क्योंकि अनिल जी बहुत ना साइकोलॉजिकली चीज है कि ये कुछ होगा नहीं होगा या बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन ये कुछ होने का डर आपको अगले 2-3 महीने इलेक्शन से पहले आपको कुछ लेने नहीं देगा। आप माल नहीं लोगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, जैसे हमने कल भी देखा, लेकिन अगर आप बेचोगे तो शॉर्ट कवरिंग भी हो जाएगी, तो आपको लेने नहीं देगा, लेकिन ऐसी चीजें भी होती रहेंगी। तो अनिल जी, बहुत डिफिकल्ट मार्केट है, ऑप्शन से बोथ तरफ की पोजीशन लॉन्ग शॉर्ट मिक्स रखना चाहिए, ऐसी चीजें होती रहेंगी। अगेन, अब पाकिस्तान क्या करेगा, ये कितना ट्रूथ है, ये किसी को भी नहीं पता अनिल जी, ये सब अटकले हैं। सो आई थिंक इट इज अ डिफिकल्ट मार्केट, जो कि अगले 2 महीने में होने वाली है और होती रहेगी, बट वन हैज टू प्ले दैट मार्केट। अब वो लॉन्ग, अब 3 महीने निकालना अनिल जी, ये कहना बहुत आसान है कि 3 दिन निकलेंगे या 15 दिन होगा या 3 महीने बाद 6 महीने बाद, हु विल हैव द लास्ट लाफ, बट एट द सेम टाइम सर, जो M2M लॉस होता है किसी भी क्लाइंट का, किसी भी ट्रेडर का, वो आज होता है कल होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है सर, ट्रेड हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्शन, उसी के साथ रहना चाहिए। और पोर्टफोलियो तो अनिल जी, इतने टाइम से हम सबको मनाई कर रहे हैं कि अभी कोई टाइम नहीं है, क्योंकि पोर्टफोलियो डैमेज होता है तो अनिल जी वो भी प्रॉब्लम होती है, तो ये प्रॉब्लम अनिल जी हो सकती है, रहेगी, वन हैज टू, ट्रेडिंग डिफिकल्ट है बट लॉन्ग शॉर्ट मिक्स जरूर रखना चाहिए। ठीक है, तो आशीष सर, अगर आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा गैस करना मुश्किल है, सारी चीजें अटकली हैं, अगर बाजार में हैं तो फिर कैसे रहें, कैश में रहें, कुछ पोजीशंस और कॉल पुट में रहें जो आपका फेवरेट है, कैसे रहें फिर मार्केट के अंदर? डिम्पी, बिल्कुल आपने ठीक बोला, इसीलिए आई थिंक अनिल जी भी, आप भी, हम लास्ट 6 महीने से हमने कोई पोर्टफोलियो की बात नहीं करी, मैं तो ओपनली बोलता हूँ पोर्टफोलियो इज इंजूरियस टू वेल्थ करंटली जो सिचुएशन चल रही है,
और ये जो सिचुएशन एड ऑन ये डिम्पी लेना है तो ऑप्शन से लेना है और पुट्स जरूर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए डिम्पी, वीक शेयर की या इंडेक्स की। कल भी जब मैंने बात की थी सिलेक्टिव स्टॉक्स में रहना है, इंडेक्स में नहीं रहना, क्योंकि इंडेक्स डिम्पी ऐसे ही डेंजरस मूव्स देगा। सो आई थिंक सिंगल स्प्रेड्स रखने चाहिए और कहीं ना कहीं पुट जरूर आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए डिम्पी जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है, बिकॉज दीज थिंग्स और इनके इंटरप्रिटेशन और इनके रिएक्शन जरूर नीजत मिलते रहेंगे और होते रहेंगे डिम्पी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कब, आज तो जैसे हुआ, ये एक हफ्ते बाद होता, 15 दिन बाद होता या नहीं भी होता, लेकिन उस डर से मैं प्लस नहीं कर सकता हूँ। मैं प्लस नहीं करता हूँ तो मार्केट ऊपर जाती है, और अगर मैं इसके इसको इंटरप्रेट करके या इसको एक्सपेक्ट करके माइनस करता हूँ तो मेरी शॉर्ट कवरिंग होती है। तो ये डिफिकल्ट मार्केट तो रहेगी डिम्पी। तो मुझे लगता है कॉल पुट दोनों की तरफ से रहना चाहिए, स्ट्रॉन्गर जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं उनके कॉल्स हाथ में होनी चाहिए, जो वीक स्टॉक्स हैं या इंडेक्स में कुछ ना कुछ पुट जरूर हाथ में होनी चाहिए। आशीष जी हमेशा बोलते हैं कि बिना पुट के नींद नहीं आती, बिना पुट के है ना, जान बात हर, भी है। हर लोगों के साथ एक शॉट होना जरूरी है। आशीष जी आप लाइन पे बने रहिए, लेकिन इस बीच एक चीज जो इंटरेस्टिंग बात कही आशीष जी ने कि ये मामला कितना लंबा चलेगा पता नहीं। यही मैं जीजे सिंह साहब से एक रिएक्शन लेना चाहता हूँ, क्योंकि वो शायद जमाना चला, जीजे सिंह साहब शायद फोन लाइन पर है, मैं चेक कर लूं। सिंह साहब क्या वो जमाना चला गया जब महीनों महीनों युद्ध चला करते थे, अब तो अगर जो कुछ होना है 48-72 घंटे का काम है और उसमें खत्म हो जाएगा, या आपको लगता है कुछ लंबे चलने जैसे आसार भी दिख सकते हैं? देखिए ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी हम तभी कुछ अच्छा असेसमेंट बना सकते हैं जो पाकिस्तान का रिएक्शन हो। अभी अगर ये जो सर्जिकल स्ट्राइक होना एक दूसरे के उनके ऊपर करना, अगर हम आगे भी रखते हैं इसको, क्योंकि पाकिस्तान से ये सभी अटैक्स किए जाते हैं और पीओके के अंदर उनके 45 कैंप हैं, एक कैंप बालाकोट के ऊपर जैसी खबरें आ रही हैं, हमने उसके ऊपर अटैक किया है, 40-45 और वहां पे उनके कैंप हैं जहां पे वो ट्रेनिंग देते हैं, वेपनाइज करते हैं, ब्रेन वॉशिंग करते हैं। ये सारा जो इलाका है इसके ऊपर हम आगे से क्या करेंगे ये डिपेंड करेगा पाकिस्तान रिएक्ट कैसे करता है, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक जो है, यही मैं आपसे पूछना भी चाहता था, क्योंकि जो हमले की खबर है ना, मेरा ये मानना है कि ये जो पीओके के अंदर अगर ये वॉर रहा सिर्फ और आईबी सेक्टर में नहीं फैलता तो ये आगे बढ़ेगा, इसमें टाइम और लगेगा, क्योंकि उनका सफाई करना है पीओके के अंदर। और जैसे खबर मैंने, हमने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया, साथ में हैवी आर्टिलरी फायर भी नीचे से शुरू कर दिया है, और एक जिसे कहते हैं वॉर लाइक इसकी सिचुएशन पैदा हो चुकी है, इसके अंदर कोई शक नहीं है, क्योंकि जो खबरें दूसरी चैनल में और जो मुझे मिल रही हैं उसके मुताबिक तो एक सिचुएशन बहुत टेंस हो चुकी है। तो ये 2-4 दिन के अंदर, जहां एक हफ्ते के अंदर मामला ठंडा हो जाएगा, ये मुझे नहीं लग रहा, इससे थोड़ा बढ़ेगा, और हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे साथ खड़ी हुई है। और मैं आप एक चीज आपको बता दूं, जब दूसरे लोग जैसे अमेरिका या जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड वगैरह जब कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, तो वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर यही कह रहे होते हैं कि हिट बैक जो हमने किया है। बिल्कुल सर, सर आप लाइन पे बने रहिए हमारे साथ, एक मिनट एक रिएक्शन और ले रहा हूं मैं। रिटायर्ड कर्नल यूएस राठौड़ साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राठौड़ साहब आपका पहला रिएक्शन, जो खबरें आ रही हैं हिंदुस्तान की वायुसेना ने पीओके में जाकर कल देर रात हमला किया है जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर और उन्हें तबाह कर दिया है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? मेरी पहली प्रतिक्रिया ये है कि ये बहुत खुशी का मौका है और ये बहुत लेट किया है हमने, ये हमारी ये हैबिट होनी चाहिए, ये हमारा ये पहला रिएक्शन किसी भी टेरर अटैक का यही होना चाहिए। बहुत अच्छा किया, वेल डन इंडियन एयरफोर्स, यू हैव डन अस प्राउड। बिल्कुल ये वाकई में एक बड़ा मोमेंट है जो हिंदुस्तान की वायुसेना ने किया है। ये बताइए अब इसके आफ्टर इफेक्ट्स, अब आगे क्या कुछ हो सकता है, संभावनाएं क्या है हमारी तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से? इसकी संभावनाएं ऐसी हैं कि मैं अभी पिछले दफ्ता को सुन रहा था कि इसके ऊपर वहां से क्या रिएक्शन आएगा, ये सारे रिएक्शन को तोलने के बाद ही ये हमने कदम उठाया है, इसलिए रिएक्शन के लिए अनड्यूली वरीड होने की आवश्यकता नहीं है। हमें
पाकिस्तान के रिएक्शन से अनड्यूली फरीद होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सब्र का बांध टूट चुका है। इस्टेब्लिशमेंट ने जो कदम उठाया है बिल्कुल सही है। अभी हमें इंतजार करना चाहिए कि भारतीय सेना कैसे बदला लेती है, तो भारतीय सेना कैसे बदला लेती है, और अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय नौसेना इसमें कैसे दखलंदाजी करती है। ओके, पाकिस्तान को सबक सीखने की जरूरत है। राठौर साहब, ये बताएं कि फिर इस बार संभावनाएं ज्यादा क्या है? कारगिल की तरह जमीन वाला युद्ध होगा, या आप कह रहे हैं कि नौसेना को भी शामिल होना चाहिए, एयरफोर्स अपना काम शुरू कर चुकी है, तो क्या इस बार तीनों तरफ से पाकिस्तान पर अटैक होने की संभावना है? देखिए, अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की इसका रिटेलिएशन करने की, तो ये बढ़ेगा। ये पाकिस्तान के हित में है कि चुपचाप बैठे और मार खाए। अगर पाकिस्तान ने जरा सी जरूरत की और उसने हवाई हमला किया तो ये एस्केलेट होगा। भारतीय सेनाओं ने ये मन बना लिया है कि इनको अभी मिसाइल से भी ठोकेंगे। इस चक्कर में ना पड़े कि हम वहां से छोटा मोटा जहाज उड़ा के कहीं फेंके या मिसाइल फेंके। ये एस्केलेट अगर होगा, पाकिस्तान ने अगर जरा सा रिटेलिएट किया तो एस्केलेशन होगा। और इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त तैयार बैठी है, तीनों सेनाओं का इसमें समावेश हो सकता है। और आप सही कह रहे हैं, लोकल वार भी हो सकता है। ये पाकिस्तान के ऊपर है कि चुपचाप बैठ के मार खाए, अगर रिटेलिएट करेगा तो ये। राठौर साहब, इसलिए ये बात पूछना चाहता था क्योंकि जो हमले हुए हैं वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हुए, वो जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर हुए हैं, तो उसका पाकिस्तान का रिएक्शन कितना सीवियर होगा उसको भी तो प्रूव करना पड़ेगा ना, कि जैश के ऊपर आप हमला करता है इंडिया तो हम को रिलेटेड करें, हम क्यों वापस हमला करें भारत के ऊपर? उनकी भूमि पर तो कुछ नहीं हुआ, ये तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है जो कि विवादित है, ये पाकिस्तान के लिए भी विवादित है, भारत के लिए तो है ही। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, पाकिस्तान उसको अपना कश्मीर, आजाद कश्मीर बोलता है, तो वो सॉवरेन उसको मानता है, तो रिटेलिएशन तो करने का उसका मन करेगा ही, वो होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस रिटेलिएशन से ये बढ़ेगा, ये एक आज का हवाई हमला काफी नहीं है, ये और बढ़ सकता है। इसमें जैसे मोहम्मद के ठिकानों पर, और इस बात को भी आप माने कि ये सारे ठिकाने जो हैं सैटेलाइट के सर्वेलेंस में थे, तो अगर ये पाकिस्तानी कहते हैं वो खाली थे, वहाँ कोई नहीं था, वहाँ पर कोई चरवाहों की झोपड़ियाँ थी, ये सब गलत है। इन सारे ठिकानों के ऊपर सैटेलाइट की सर्वेलेंस थी, होमवर्क हुआ है, इसीलिए इतना वक्त लगा है, और वहाँ पर तबाही और कैजुअल्टीज भी हुई होंगी। Let us believe in what the Indian Air Force or Indian government say. It is a dead blow. It's a body blow to Pakistan and his terror machine. जी, एक सैनिक होने के नाते आप बहुत खुश हैं, बहुत गौरवान्वित हैं राठौर साहब? मैं बहुत गौरवान्वित हूँ, और ये चीज हिंदुस्तान ने 20 साल पहले शुरू कर देनी चाहिए थी। ये बात हमने बहुत पहले करनी चाहिए थी। पाकिस्तान की हिमाकत का जवाब उससे 100 गुना सीबीआरटी से देना चाहिए, जब वो उस वही भाषा वो समझ सकता है। बिल्कुल, मुंह तोड़ जवाब, ईंट का जवाब पत्थर, वो चाहती है हमारी सेना और हमारे सैनिक, और वही इस वक्त होता हुआ दिखा है। भले पाकिस्तान कुछ भी कहे कि खुले एरिया में बम गिराने के लिए खुले एरिया की जरूरत नहीं होती, लेकिन ठीक है, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आएंगे। राठौर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये रिएक्शन देने के लिए, और आगे भी आपसे इन मुद्दों पर मैं फिर से आपके साथ जुड़ूंगा, जिस तरह से ये स्टोरी आगे डेवलपिंग होती है वो देखना होगा। लेकिन इस वक्त बड़ा रिएक्शन जो आता हुआ दिख रहा है वो यही है कि हिंदुस्तान की वायुसेना ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाकर जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर हमले किए। हालांकि ये खबरें अभी तक रक्षा मंत्रालय की तरफ से पुष्ट होना बाकी है, लेकिन रक्षा मंत्रालय के अलावा काफ़ी न्यूज़ एजेंसीज हैं जो इन बात की पुष्टि कर रही है, और पाकिस्तान की तरफ से भी ये तो आया है कि कुछ न कुछ तो हुआ है।